Hello children, in this video you will learn how to add CSS comments in your HTML document. आप अपने HTML के document में CSS comment को कैसे use कर सकते हो, ठीक है? कैसे उनको add कर सकते हो? Comments का क्या use है? Comments are used to explain the code. आप comments की help से अपने code को explain कर सकते हो, okay? Comments और comments क्या होती हैं? Comments are ignored by the browser. Browser उनको display नहीं करता है. ये जो developer होता है उसके खुद के use के लिए होती है. राइट ओके तो आप सीएसएस में कमेंट्स कैसे प्लेस करते हो? अ सीएसएस कमेंट इज प्लेस इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट्स. आप स्टाइल एलिमेंट के अंदर कमेंट को प्लेस करते हो. ओके तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. राइट आपने डॉक टाइप से क्या बताया? डॉक्यूमेंट टाइप के मतलब आप कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हो. यहाँ पे हम बना रहे हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. राइट ओके देन HTML हेड हेड में आप दोगे स्टाइल स्टाइल टैग. फाइन अब इसके अंदर आप स्टाइल यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ? इंटरनल सीएसएस क्रिएट कर रही हूँ. ओके और इंटरनल सीएसएस में जो आप स्टाइल टैग देते हो हेड टैग के अंदर देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर आप अपने कमेंट को स्पेसिफाई करोगे, ठीक है? backslash and then asterisk. ओके इसको स्टार भी बोल सकते हो आप. नाउ दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. ओके यहां पे मैंने एक दिया है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. ओके अब आपने इसके बीच में जो भी सिंबल के इन बिटवीन आपने जो भी टेक्स्ट दिया है वो क्या है? ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा. तो यहाँ पे मैंने सिंपल दिया हुआ है दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हो. फाइन जो भी आप लिखना चाहते हो और रिलेटेड टू योर सोर्स कोड. ओके अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपने टैग को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं. मैंने कलर दे दिया इसको ब्लू. फाइन कलर ब्लू. ओके नाउ स्टाइल टैग इज क्लोज्ड हेड क्लोज. ओके नाउ अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? बॉडी. और बॉडी के अंदर हम अपने पैराग्राफ दे देते हैं. पैराग्राफ हेलो वेलकम टू सी एस एस प्रोग्रामिंग. फाइन ओके और आप नेक्स्ट एक और पैराग्राफ दे सकते हो इसके अंदर. सी एस एस comments are not shown in the output. okay अब मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल पी लिया है. इसका कोई इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? सो यू कैन राइट इन एनी केस. राइट क्या किया है हमने? देखो यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट दिया है और पैराग्राफ को आपने फॉर्मेटिंग प्रोवाइड किया कि जो आपके पैराग्राफ है वो किस कलर में आए? ब्लू कलर में. राइट तो हम इसको सेव कर लेते हैं. कंट्रोल एस इसका नेम हम कुछ भी देते हैं. फाइल वन देते हैं. लेट अस चूज फाइल वन डॉट एस टी एम एल. ओके सेव. नाउ हियर वी हैव दिस फाइल. ओपन विथ ब्राउजर. अब यहाँ पे हमारी फाइल लोड हो रही है. देखो यहाँ पे जो आपने कमेंट्स दिए थे वो सॉरी जो आपने पैराग्राफ दिया था वो आपका ब्लू कलर में आ गया है. फाइन और जो कमेंट्स दिया था जो आपने सिंगल लाइन का कमेंट दिया था वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हुआ है.
ओके, इन दिस वे यू कैन राइट एनीथिंग फॉर योर ओन एडवांटेज, आप अपने यूज के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ कमेंट्स को हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, फाइन। ऐसा नहीं कि स्टाइल टैग के बाद ही आपको प्लेस करना है, आप कमेंट्स को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया, ओके, कंट्रोल एक्स, और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, कंट्रोल वी, फाइन। इससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कमेंट को जहां चाहते हैं उस पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं, फाइन। कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने इसको, डॉक्यूमेंट को, फाइन। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर लेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा, देखो, ठीक है। कमेंट की पोजीशन चेंज करने से ऐसा नहीं है कि वो डिस्प्ले होगी, वो डिस्प्ले नहीं होगी, ओके, इट विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर, फाइन। ओके, अगर आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना चाहते हो तो वो भी आप सिंपली इसी सिंटेक्स के साथ लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज, फर्स्ट लाइन में मैंने दिस इज लिख दिया, सेकंड लाइन में अ मल्टी लाइन, ओके, देन थर्ड लाइन में ले जाती हूँ मैं इसको कमेंट। तो मल्टीपल लाइंस में भी आप अपने कमेंट्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने थ्री लाइंस में कमेंट लिखा है, यहाँ पे ऑल्दो ये बहुत शॉर्ट है, आप बिग बिग लाइंस में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है? दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, फाइन। कंट्रोल एस, इसको मैंने सेव कर दिया है, नाउ वी विल सी द रिजल्ट। रिफ्रेश, कोई चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि कमेंट डिस्प्ले नहीं करता है, राइट? बट आप अपने लिए, अपने यूज के लिए मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, फाइन। ओके, नेक्स्ट, आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सीएसएस कमेंट के साथ साथ एचटीएमएल कमेंट्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? हम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब सीएसएस कमेंट्स कंबाइंड विद एचटीएमएल कमेंट्स, दोनों की कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपने सीएसएस का कमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, फाइन, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एचटीएमएल का कमेंट भी दे देती हूँ, फाइन। एचटीएमएल के कमेंट का सिंटेक्स होता है दिस, यहाँ पे हमने कर दिया दिस पैराग्राफ्स विल बी ब्लू इन कलर, ओके। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आपने दिया सीएसएस का कमेंट, ओके, दिस इज सीएसएस कमेंट, फाइन, और यहाँ पे हमने एचटीएमएल कमेंट दे दिया, फाइन। और कमेंट क्या है, इट विल नॉट बी डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर, फाइन। नाउ वी विल सी द रिजल्ट, रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि ब्राउजर कमेंट्स को नहीं डिस्प्ले करता, चाहे वो सीएसएस की कमेंट हो चाहे वो एचटीएमएल की कमेंट हो, ओके। कमेंट का बेसिक यूज क्या होता है, दीज आर यूज बाय द प्रोग्रामर्स फॉर देयर ओन एडवांटेज, लाइक उनको किसी कोड लगता है कि किसी कोड के बारे में लिख लें, लेटर ऑन उसको वो यूज कर सकते हैं, तो एज अ कमेंट उसको लिख सकते हैं, फाइन।